हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ फिजी आ गए हैं और फिजी में आके हम आपको अभी दिखाते हैं कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे जो होटल है उसमें हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कुछ नया है देखने को। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ एक चीज़ ढूंढी है, तो वो आप इनसे ही पूछिए। आपने क्या देखा है यहाँ पे, क्या ढूंढा है आपने? ये है हमारी लेडी मैडम का घर जो कि तू है, तेरा स्विमिंग पूल है। मेरा स्विमिंग पूल तो उधर है, ये मेरा नहीं है। दिखा दे अपने दोस्तों को। दिखाती हूँ मैं आपको, किसकी बात कर रहे हैं ये? तो दोस्तों, ये इस घर की बात कर रहे हैं। मेंढको का तालाब है और अच्छा सा सुंदर सा एक लोटस है यहाँ पे। ये है फ्रॉग पॉन्ड, छोटा सा टाइनी सा बना रखा है इन्होंने, और इनका गार्डन बड़ा अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सूदिंग सा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, धूप भी है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला है, ये देखिए आप, इतना बड़ा ऐसे केले का पेड़। तो फिजी में फ्रूट्स वगैरह फ्रेश बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे हमें इट इज़ काइंड ऑफ अ फीलिंग आ गई कि हम किसी फार्म में हैं। तो ये देखो, आम पड़े हैं, इतना बंच ऑफ मैंगोज हैं यहाँ पे, ऊपर देखो और ये कितने सारे आम का पेड़, केले का पेड़, और बहुत सारा कोकोनट है। पीछे में कोकोनट बहुत मिलता है एंड दिस इज़ आर होटल। तो ये पीछे का गार्डन एरिया है और यहाँ पे बच्चों के लिए किड्स प्लेग्राउंड भी है, तो आप आराम से यहाँ पे बच्चों को छोड़ सकते हैं, वो अपना चिल कर सकते हैं। एंड इवन यू कैन सी दिस कोकोनट ट्रीज, बहुत बड़े बड़े कोकोनट हैं यहाँ पे, ये देखिए। और इस पर आप लाई डाउन कर सकते हैं और अपना मज़ा ले सकते हैं मौसम का। हम लोग तो अभी दोनों यहीं पे चिल कर रहे थे, तो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट और यहाँ पे बैठे थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने पाइनएप्पल का पेड़ देखा है अभी, सो हेयर इट इज़ गाइज, देखो इस पर एक पाइनएप्पल भी लगा हुआ है। तो ऐसा पेड़ हमारे यहाँ मेलबर्न में भी है हमारे घर पे, बट वो पाइनएप्पल का नहीं है, बट वो सिमिलर ऐसे ही दिखते हैं। तो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लोर किया कि ओह, ये जो इस पर पाइनएप्पल्स लगे हैं, तो बस दीज आर गुड एक्सप्लोरिंग थिंग्स जो हम देख रहे हैं। आम का पेड़ तो हमने इंडिया में बहुत देखा है, केले, आम, नारियल बहुत हैं, बट पाइनएप्पल मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, बच्चों का प्लेग्राउंड है, तो बच्चे यहाँ पे स्विंग कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, और उधर स्विमिंग पूल है, वो हम अभी आपको जाते हुए दिखाएंगे। आकर यहाँ पर ऐसे चिल कर सकते हो, मौसम बहुत अच्छा है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, ऐसे आराम से चिल कर सकते हैं। ये थोड़ा ऐसे साउंड कर रहे हैं जो बचपन में मम्मी वाला झूला नहीं करते थे बच्चे को, सिमिलर टू दैट। इनको नींद भी आ रही है यहाँ पे, तो आप अपना बढ़िया सा यहाँ पे चिल कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अभी तो हमारा डे स्टार्ट हुआ है, बट इस पे लेट इतना रिलैक्सिंग लग रहा है ना कि मन कर रहा है यहाँ पे एक दो घंटे सो जाए, क्योंकि हमें ट्रैवल की इतनी टायर्डनेस हो गई है बहुत ज़्यादा। सो गाइस, नाउ हम आपको अपना आगे का फ्रंट एंड अदर पूरा होटल दिखाएंगे, सो वेयर वी आर स्टेइंग। और होटल बहुत अच्छा है, लोकेशन इज़ ऑल्सो गुड, आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इवन इंडियंस के लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, यू कैन कम्युनिकेट इन हिंदी एज वेल, और यहाँ पे इंडियन फूड आराम से मिल जाता है। सो लेट नाइट येस्टरडे वी हैड मलाई कोफ्ता और स्पिनच साग नान, स्टफ्ड साग नान, तो वो भी बहुत टेस्टी लगा। तो यहाँ पे इजीली आपको, इंडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे रहना खाने पीने का, तो आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा, सो यू कैन चिल इजीली इन फिजी। सो जस्ट लाइक माय हस्बैंड इज डूइंग, इज हैविंग फन।
सम पटेल जी की दुकान। हाँ जी चलिए जल्दी से, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है दोस्तों बहुत यहाँ पे। बस लोग बाग दिख रहे हैं, ये लोग, ये यहाँ का स्पीड ब्रेकर है दोस्तों, बहुत ही जुगाड़ू है इंडिया की तरह। लोग बाग जुगाड़ करके गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पे सीजी की मार्केट देखने के लिए, कि हमें यहाँ पे दिखा है राजू खाना खजाना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी कि इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, इंडियंस के लिए कोई कमी नहीं है यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है खाने की और कम्युनिकेट करने की, इजीली सब कुछ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने होटल के पास ज़रा देखने आए हैं कि कैसी मार्केट है यहाँ पे, क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे, कुछ और रेस्टोरेंट्स या कुछ भी। सो वी वर जस्ट गोइंग अराउंड, तो हमें दिखा यहाँ पे कुछ इंडियन मूवीज़ भी लगी हुई है और मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी इंडियन मूवीज़ लगी है यहाँ पे। ये देखो धोखा मूवी एंड अवतार भी लगी है यहाँ पे, चुप है कोई तो भी। और ये तो पता नहीं मैंने इंडिया में तो अभी देखी नहीं, बट ये इंडियन मूवीज़ भी लगी है यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड ज़रा पता करने गए, अच्छा कितने बजे कौन सी मूवी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ के जो भी मार्केट है। और अभी आगे और दिखाती हूँ कि मोस्टली यहाँ पे जो लोग हिंदी बोलते हैं देयर एक्सेंट विल बी काइंड ऑफ लाइक गुजराती बिहारी टाइप का। ये देखो आइलैंड ढाबा है यहाँ पे, तो कुछ सब यहाँ पे मिलेगा। कुछ आप बताना चाहेंगे इनकी मार्केट के बारे में? आप नाइस मार्केट, यू एक्सप्लोर्ड आइलैंड ढाबा, राजू का खाना का खजाना, संभाई की दुकान, संभाई की दुकान, पीवीआर सिनेमा है ना, सी बिक्का भाई की दुकान देख रहे हैं आपको यहाँ पर सब इंडियन मिलेगा। और बाकी तो है अपना अन्ना केक एंड कैफे, तो अन्ना के पास जाके आप केक भी खा सकते हो। अन्ना का केक खाना है आपने? अन्ना नहीं, मैं अन्ना का केक खाता, मैं नॉर्मल केक खाता हूँ, अन्ना का केक आप ही खाओ। मैंने अपना अच्छा खासा केक सुबह खा लिया था होटल में। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं आसपास और क्या है। तो ये तो हमारे होटल के पास की मार्केट थी, ऐसे दिखा दूंगी ना, वेस्टर्न ढाबा है ऐसे, ये मार्केट है। हाय गाइस, हम लोग अभी फिजी में हैं, आपको मैंने अपना होटल वगैरह सब दिखाया था। तो अभी जस्ट हम अपने होटल के बाहर यहाँ पे लंच करने आए थे पास में, सो वी केम टू नादी हैंडीक्राफ्ट मार्केट। तो ये पीछे पूरा मार्केट है और यहाँ पे मार्केट्स जो है वो 7 बजे बंद हो जाते हैं। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, अनीता ज्वेलर्स हैं, बहुत सारे राजू के रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और गणेश की गिफ्ट की दुकान है, पीछे सुमित फोटो स्टूडियो है। तो आपको सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और देयर हैंडीक्राफ्ट मार्केट इज़ जस्ट लाइक, मेरे को वो INA मार्केट की वाइब्स आ रही थी वहाँ पे, जितना भी वुडन क्राफ्ट शोकेस वॉल हैंगिंग वगैरह होता है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। सो यू कैन गो एंड लुक अराउंड, अच्छा है, छोटा है क्योंकि यहाँ पे इतना भी टूरिस्ट नहीं है, बट यू कैन हैव फन, इन्जॉय कर सकते हैं आप पीजी में उसके लाइफ को। मेरी सासू माँ
जी की डिमांड पे उन्होंने कहा मेरा लड़का क्यों नहीं आता वीडियो में। तो आप कुछ बोलना चाहोगे मम्मी को? नमस्ते मम्मी। तो गाइस ये यहाँ पे नादी हैंडीक्राफ्ट मार्केट, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर के क्या क्या आप सामान यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वुडन काम सामान, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो ऐसी मार्केट यहाँ पे जल्दी मार्केट्स बंद हो जाती है, वैसे तो मोस्टली 5-7 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पे इनकी हैंडीक्राफ्ट मार्केट और उसका सामान। गाइज अभी हम आए हैं यहाँ नादी टेम्पल, सो वी जस्ट एंटर्ड नादी टेम्पल। हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आना है, नहीं तो अदरवाइज ये ऐसे ही ड्रेस दे देंगे नीचे पहनने के लिए। यू कांट वेयर शॉर्ट्स और एनीथिंग। सो एंटर करते ही दे विल गिव यू अ पूजा प्लेट फॉर $4, हमें $4 का दिया था। एंड लेटर ऑन अंदर आते ही यू सी गणेश जी का मंदिर, सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं, उसके बाद दिस वन। तो ये है यहाँ का नादी टेम्पल, हम अभी अंदर मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे एंड विल शो यू अगर कैमरा अलाउड होगा कि अंदर कौन कौन से भगवान जी हैं, क्या हैं। सो दिस इज़ ऑल नादी टेम्पल एंट्रेंस लुक्स लाइक। वैसे बाहर से दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे यहाँ पे भगवान जी, और ये है उनका सराउंडिंग जस्ट भगवान जी के सामने। ये है यहाँ पे बोर्ड नहीं लग। चलिए अब हम अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, व्हेन विल बी आउट तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। बहुत अच्छे पेंटिंग्स कर रखे हैं इन्होंने ऊपर, शंकर भगवान जी, पार्वती मैया जी के स्टोरीज हैं यहाँ पे।